अगर कहीं पे गढ़चिरौली ज़िले की बात की जाएगी तो सबसे पहले दो ही चीज़ें ध्यान में आती हैं, पहला है नक्सलवाद और दूसरा यहाँ के जंगल। बहरहाल नक्सलवाद को बाजू में रखा जाए तो इसकी खूबसूरती इसके जंगलों में बसती है, और इन्हीं जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव देचली। देचली से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है जीतम, और आज मैं और मेरे दोस्त वहीं पर जा रहे हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ जीतम की वर्चुअल टूर पे। और अगर आप सोच रहे कि मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ ये अभी मड़ावी, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। गांव से बाहर निकलते ही दिखाई देते हैं कुछ मन को तृप्त कर देने वाले नज़ारे। दूर खड़े पहाड़, पहाड़ की गोदी में छोटे छोटे से खेत, ये सब नज़ारा देख के दिल से एक ही आवाज़ आई, इतनी अच्छी जगह पहले क्यों नहीं आए थे हम। गांव से बाहर 2-3 किलोमीटर चलने के बाद देखा तो रास्ता ही ख़त्म हो गया था, फिर भी ये मुसाफिर दिल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमें ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है ऊपर, दिखाई दे रही है वहाँ, अरे हाँ, इस पहाड़ी के उस पार जाना है हमें। रास्ता कैसा है? और रास्ता कैसा है? कुछ ही दूर सामने जाके रास्ते की हालत और गाड़ियों की पावर को मद्देनजर रखते हुए हम सब ने यही तय किया कि गाड़ियां वहीं पे रख दी जाए। बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है गाड़ी चलाने के लिए। और ये देख आगे हमारा तारादर राइडर, हाँ मस्त क्लासी है। तो फाइनली गाइस हम देचली पेटा पहुंच गए हैं, तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है पहाड़ी। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ से हमें पैदल ही पैदल मार्च करना पड़ेगा। हमारे भाई लोग अभी गाड़ी लॉक कर रहे हैं, अभी अभी शुरुआत की है पहाड़ी चढ़ने की। दो पहाड़ पार करके जाना है हमको। भैया आप कौन हो? मल्यासुर में। ओ सफरनामा। अजून एक कोण राहून गेला आपला मोठा भाऊ? कुठं कोण कोण मांग? गढ़चिरौली जिले के काफी अंदर होने और यहाँ पे जंगल पहाड़ों की संख्या ज्यादा होने के कारण इसे नक्सलियों का माहिर घर भी कहते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं आई कि नक्सलियों ने किसी मुसाफिर पर हमला किया हो। इस बात के लिए हमें गढ़चिरौली पुलिस के कर्मचारियों का धन्यवाद देना चाहिए जो इतने डीप में अपना डेरा डाले रहते हैं। रास्ते में कई छोटी छोटी सी नदियाँ, कई पहाड़ आते रहते हैं, फिर भी हमें रुकना नहीं है। इस जगह की खूबसूरती को देख के आप में से कई लोगों के मन में यहाँ पे आने की इच्छा निर्माण हो गई होंगी। तो आप लोगों को बता दूँ, आलापल्ली से जीतम करीब 67 किलोमीटर पड़ता है। सबसे पहले आपको आलापल्ली से सिरोंचा रोड की ओर जिमलगट्टा तक आना है जो कि 46 किलोमीटर पड़ता है। सफ़र में कुछ खाने के लिए ख़रीदना है तो जिमलगट्टा में ही ख़रीद लो, जैसे चिप्स, कुरकुरे, चिकन वगैरह वगैरह, क्योंकि आगे जाके रास्ता ख़राब तो है ही, पर आगे ऐसी कोई दुकान भी नहीं मिलेगी जहाँ पे आप कोई सामान ले सको।
फिर आपको जिमलगट्टा से देचली आना है, जो 17 किलोमीटर का रास्ता है। देचली इस सफ़र का आखिरी गांव है। जंगल के रास्ते से चलते वक्त आपको तकलीफ तो होगी, पर रास्ता इतना रोमांचक और खूबसूरत है कि आपको रुकने का मन ही नहीं करेगा। जैसे ही जंगल धुंधला और पहाड़ साफ दिखाई दे तो समझिएगा आपकी मंजिल काफ़ी करीब है। इस रास्ते पे पैदल चलने के कारण जो आपको थकावट हुई है उसे चूर चूर करने के लिए जैसे ही आप नदी के पास पहुँचते हो, नदी आपका ठंडी हवा के साथ स्वागत करती है। ठंडी हवा से आपका शरीर तो ठंडा हो ही गया, पर आगे जाके जो नज़ारा दिखता है उससे आपका मन भी ठंडा हो जाता है। भामरागढ़ में होने वाले त्रिवेणी संगम के बारे में तो आप में से कई लोग को पता ही होगा। वहाँ पे तीन नदियों का संगम एक साथ होता है, उनमें से एक है पामल गौतम, दूसरी पर्लकोटा और तीसरी इंद्रावती। वही नदी सामने जाके इंद्रावती के नाम से बहती है और दो पहाड़ों को चीरते हुए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को अलग अलग करते हुए दो राज्यों की सीमा के रूप में बहती है। और पूरी रास्ते की थकावट को मिटाने के लिए यहाँ के नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाया भी जा सकता है।